जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखना अच्छी तरह से। तो ये वैल्यू दिया हुआ है √3 + i/2 - i - √3/2 power 6, इसमें भी power 6। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग याद रखना है कि ओमेगा का जो वैल्यू आता था वो याद रखीजिएगा, -1 + √3i/2, और ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू लाते थे हम लोग -1 + -√3i/2। ठीक है, दोनों में से आप इसको ओमेगा स्क्वायर बोलो, या फिर ये ओमेगा है, या फिर ये ओमेगा स्क्वायर था ही और ये ओमेगा हो गया। तो इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। तो इसको अगर कन्वर्ट करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, देखिए। तो हम लोग इसके अंदर ऊपर भी आई से मल्टीप्लाई किए, नीचे भी आई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। i √3 + 1i / 2 i, तो फिर आई आई कैंसिल, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। पावर यहाँ 6 और 6 दे देंगे। फिर इधर भी i - √3/2i पे पावर क्या आ गया, 6। वैल्यू देखते हैं यहाँ पे, √3i आ गया, फिर i * i, तो -1 होता है इसका, -2i + पावर क्या है यहाँ पे, 6। और अगर यहाँ देखते हैं तो i - 1 - √3i / 2i पावर क्या आ गया, 6। इसी को अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो पहले तो i⁴ इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 1 / i, और यहाँ क्या आया, -1 + √3i/2। तो ओवरऑल इस पे भी power 6 हो जाएगा, इधर भी power 6 हो जाएगा। बेस सेम है तो फिर पावर ऐड करेंगे तो बेस डॉट सॉरी पावर सेम है और बेस मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई होकर फिर तो ये टर्म मिल जाएगा हमको। फिर इसी टाइप में यहाँ पे भी वही काम करते हैं, 1 / i पे पावर यहाँ क्या लिखिएगा, 6। 1 / i पे power 6 आ गया, और −1 - √3i / 2 पे power 6। सॉल्व कीजिएगा इसको। तो 1 / i को जब हम लोग सॉल्व किए थे, तो 1 / i को सॉल्व किए थे, इसका वैल्यू आता था -i, है ना, ऊपर नीचे दोनों ही -i, आई आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो -i वैल्यू आएगा। तो 1 / i पे यहाँ -i पे पावर क्या आ गया, यहाँ 6। फिर इसका जो वैल्यू है ये तो ओमेगा है, देखिए ओमेगा है, तो ओमेगा पे पावर क्या आ गया, 6, प्लस इसका वैल्यू -i⁴। फिर ये वाला इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर पे पावर क्या आ गया, 6। सॉल्व अगर कीजिएगा, i⁴ अगर 6 करते हैं तो i⁴ का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस तो प्लस हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है, तो ये तो प्लस हो गया। एक इसको लिख सकते हैं i² × i⁴ लिख सकते हैं ना, इंटू अगर ओमेगा 3 का मल्टीपल है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1, प्लस माइनस का इवन पावर है तो ये तो प्लस तो रहेगा ही। i² को क्या लिख सकते हैं, i⁴ × i² लिखा जा सकता है, और ये देखिए 6 × 2 = 12, तो ये तो 3 का मल्टीपल है तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 1। तो अगर फर्दर सॉल्व कीजिएगा बच्चों, तो i⁴ का वैल्यू 1 और i² का वैल्यू -1, तो ये आ गया, ठीक है, प्लस फिर इधर भी -1 आ जाएगा, तो -1 - 1 कितना आ गया, -2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन तो यहाँ पे बोला गया था LHS को सॉल्व करके RHS -2 है, तो यहाँ भी आपका -2 वैल्यू आ रहा है।